भारत सरकार की स्वच्छता को लेकर चलाई जा रही विशेष मुहिम स्वच्छता 3.0 के तहत कोयला मंत्रालय के निर्देशन पर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL भी स्वच्छता को लेकर खास काम कर रहा है। प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित NCL इकाई द्वारा स्वच्छता को लेकर शहर में कई प्रयास किए हैं। इस मुहिम में नियमित साफ सफाई के साथ ही स्क्रैप डिस्पोजल, शिकायतों का निराकरण, अनावश्यक फाइलों का निपटान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही वेस्ट टू वेल्थ की थीम के तहत खदानों से निकले अनुपयोगी वस्तुओं से कंपनी आकर्षक और लुभावने सजावटी और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण भी कर रही है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत जिले में निगाही इको पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें खनन से निकली मिट्टी पर लाखों पौधे लगाकर मानव निर्मित पर्वत बनाए गए हैं, जिससे हवा को प्रदूषण मुक्त किया जा सके और खनन के दौरान निकले पानी को तालाब बनाकर शोधित कर उसको पुनः उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है। इतना ही नहीं, इको पार्क का सौंदर्यीकरण करने में खदानों से निकली पुरानी अनुपयोगी चीज़ों के तरह तरह की नवाचारी आकर्षक आकृतियों और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया गया है, जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। अभियान में NCL ने कुल 55 विभिन्न जगहों को स्क्रैप डिस्पोजल और कचरा निस्तारण के लिए चिन्हित किया है। इस कार्य में कुल 449 मिलियन टन स्क्रैप लोहा, 285 किलोलीटर अनावश्यक तेल, 645 पुराने टायर, 150 बैटरी आदि का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे 2,99,00,000 की राशि अर्जित की गई है। स्वच्छता अभियान के 3.0 कार्यक्रम में पूरी सब्सिडरी में हम लोगों ने इसका आयोजन किया और इसमें काफ़ी प्रोत्साहित होकर के लोगों ने भागीदारी की और अच्छे रिजल्ट निकले हैं। इससे करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की रिवेन्यू अर्जित हुई है और काफ़ी जगह इसमें खाली हुआ है, जिसको हम लोग अन्यत्र काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अभी हमें इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। निगही परियोजना में बम्बू का प्लांटेशन किया गया है। हम लोग आने वाले दिनों में प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको टूरिज्म में, इको टूरिज्म में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद में निगही परियोजना में बरेजा पॉन्ड है, जो कि माइन के द्वारा जो निस्तारित पानी होता है वहाँ जमा होता है, उसको एक अच्छे स्वरूप में बनाने की पूरी प्रयास की गई है और आज वहाँ काफ़ी पर्यटक विजिट करने के लिए आते हैं। तो इस तरह के जो अवसर हैं उसको हम लोग तलाश रहे हैं और धीरे धीरे इसको अपॉर्चुनिटी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ताकि इको टूरिज़्म को खास करके इसमें बढ़ावा मिले और लोगों में जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसके कंजर्वेशन के प्रति जागृति पैदा हो।